स्थानीय खनन वाहन स्वामियों के भारी विरोध के बावजूद प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती के बीच गौला नदी के लालकुआ देवरामपुर मोटा हल्दू निकासी गेटों से कड़ी सुरक्षा के बीच भारी वाहनों से उपखनिज निकासी करवाई। खनन परिवहन से जुड़े लोगों ने कहा कि अब धामी सरकार तानाशाही पर उतर आई है। गौला खनन मजदूर उत्थान समिति से जुड़े स्थानीय खनन वाहन स्वामियों और धामी सरकार के बीच अब तक कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाई है। इधर प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती के बीच गैला नदी के लाल कुआं देवरमपुर मोटा हल्टू निकासी गेटों से कड़ी सुरक्षा के बीच भारी वाहनों से उपखनिज की निकासी करवाई। इस दौरान विरोध कर रहे गौला खनन मजदूर उत्थान समिति अध्यक्ष रमेश चंद जोशी ने कहा कि राज्य की धामी सरकार तानाशाही पर उतर आई है, जो कि बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर जबरन खनन निकासी करवा रही है, जबकि हमारी जायज चार सूत्री मांगों को नहीं माना जा रहा है। ऐसे में हमारे आगे भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि खनन निकासी करने वाले वाहनों में 2 क्विंटल माल भरकर 25 से 50 क्विंटल की रॉयल्टी बनाई जा रही है। ऐसी तानाशाही को वाहन स्वामी बर्दाश्त नहीं करेंगे और 25 दिसंबर को बड़ा विरोध प्रदर्शन कर सरकार को जनता की ताकत का एहसास करवाएंगे। पूरी तरह से हावी हो गई सर। अमित जी की सरकार में मेरे को कहने में कोई विरोध नहीं है, पूरा हिटलर साइड में ऐसा माहौल हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। और अब दुख होता है कि काश हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी वो हमने बेकार लड़ी। जिस तरीके से आज देखिए प्रशासन हमारे ऊपर हावी है और स्टोन क्रेशरों को स्टॉक वालों को दबाव में डालकर ज़बरदस्ती उनको प्रोटेक्शन देकर एक गाड़ी पुलिस की आगे जा रही है, एक गाड़ी उस डंफर के पीछे जा रही है। SDM लगे, CD मजिस्ट्रेट लगे, दो दो पाँच पाँच थानों की पुलिस लगी है, दो दो CO लगे हैं, कोतवाल लगे हैं दो दो थानों की, उसके अलावा जो है SP CT अलग से चल रहे हैं। पता नहीं इतना फोर्स लगाने की इनको ज़रूरत क्या है। हम लोग गरीब लोग बेरोजगार लोग, हमें कोई फोर्स की ज़रूरत ही नहीं है। आप हमारी मांगे चार सूत्री मांगे हैं आप उनको सही कर दीजिए। देखो आपको आने की ज़रूरत ही नहीं होगी, DLM अपना गेट का उद्घाटन करेंगे और देखना कैसी गाड़ियां चलती है। मैं प्रशासन को इस आपके चैनल के जरिए जो है चेताना चाहता हूं कि इतनी जोर ज़बरदस्ती से आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। जब तक गाड़ी वाला खुद तैयार नहीं होगा, गाड़ी वाले की डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप यहाँ PAC बैठा दो, छावनी बना दो, यहाँ अधिकारियों का जो है कैंप लगा दो, ऐसे गाड़ी नहीं चलेंगी। मैं आपको वादा करता हूँ ऐसे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल पुरजोर से आंदोलन जारी रहेगा। अभी हमारे सारे वाहन स्वामी जो है यहाँ पर जागृत हो गए हैं, तो आने वाली 25 तारीख को हल्द्वानी में एक महारैली होने वाली है, उसमें कम से कम हजारों की संख्या में वहाँ पर वाहन स्वामी आएंगे और सरकार को चेताएंगे कि हम भी कोई चीज है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।